तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की काफी महत्वपूर्ण नई घोषणा, नई अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया। जी हाँ, किसानों का जो है बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो है माफ होगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी किसान केसीसी लोन लिए रहते हैं लेकिन उनका बैंक का कर्जा माफ नहीं हो पा रहा है, या फिर उनके पास पैसे नहीं है बैंक का कर्जा छूटने के लिए, बैंक का कर्जा चुकाने के लिए। तो अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह से परेशानी फेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सभी के लिए आपका गवर्नमेंट, आप सभी की सरकार, भाजपा की सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। जी आप सभी के लिए काफी अच्छी अपडेट निकल कर आ रहा है किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ में किसानों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते कि हमारा यार बैंक में कर्जा है, हमारा बैंक में बहुत ज्यादा लोन है, तो किस तरह से हमारा बैंक का कर्जा, किस तरह से हम अपने बैंक का लोन जो है छूट कर पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा और 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा बजट पेश किया गया है। और 12,992 करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ उसमें सभी कार्यों के लिए जो है पैसे हैं। इसमें अगर हम बात करें धान बोनस के लिए 3800 करोड़ रुपए हैं। जी हाँ, और मातारी वंदना योजना 1200 करोड़ रुपए। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,799 करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और छत्तीसगढ़ के किसानों को जो है जल्द ही उनका धान बोनस का जो है चौथी किस्त की राशि, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को धान बोनस की चौथी किस्त का पैसा आपको जो है मिलने वाला है। और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट होते हैं और जितने भी घोषणा पत्र आप लोगों के लिए निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र आप सभी के लिए आते हैं, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी चीजें आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा और 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, महतारी वंदना योजना में आपको जो है 1200 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है, 1200 करोड़ रुपए। जी हाँ, जिससे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना में छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये हर एक महीने जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ, 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपये की राशि आपके जो है बैंक अकाउंट में सीधे पूरे के पूरे जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में टोटल जो है 12,000 रुपये। और छत्तीसगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा आप सभी के लिए किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, और इसके लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। और जल्द ही नए साल में 2024 में आप सभी के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। 1200 करोड़ रुपये आपके लिए जो है आवंटित किए गए हैं और सालाना आपको छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को 12,000 रुपये जो है सालाना प्रतिवर्ष मिलेगा। 1 महीने में जो है प्रति महीने के हिसाब से 1 महीने में आपको 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। और आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी अपडेट, जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट, जितने भी नोटिफिकेशन आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, ये सभी नोटिफिकेशन, ये सभी अपडेट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये सभी अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफी महत्वपूर्ण घोषणा आप सभी के लिए किए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री आवास के लिए, जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3799 करोड़ रुपए का बजट में पेश किया है। 3799 करोड़ रुपए जो है बजट में आप लोगों के लिए। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आप सभी के लिए हर एक कोशिश किए जा रहे हैं, हर एक प्रयास किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर, इसका सीधा सीधा फायदा, इसका सीधा सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के सभी गरीब परिवारों को मिलने वाला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की पार्टी थी, तो आवास योजना उन्हें नहीं मिलता था, आवास योजना का पैसा जो है किसी भी तरह से नहीं मिलता था, और कांग्रेस की सरकार ने आवास योजना को बंद कर दिया था। लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ में पुनः
एक बार फिर से सभी किसानों ने, सभी जनता ने अपना पूर्ण बहुमत जो है बीजेपी को दिया है, और फिर से भरोसा जताया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और जल्द ही छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के, गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में जो है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें, आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट चीजें जो है निकल कर आ रहे हैं जी हाँ। तो जितने भी अपडेट हैं आप सभी के लिए, ये सभी अपडेट, ये सभी चीजें काफी ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और किसानों के लिए काफी अच्छी अपडेट जो है आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं जी हाँ। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, और जल्द ही छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में एक एक करके जो है पूरे के पूरे जो है पैसे, एक एक करके पूरे के पूरे राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। किसानों का बैंक का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण घोषणाएं, जितने भी महत्वपूर्ण वादे हैं, इन सभी वादों पर जो है, इन सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं पर काम किए जा रहे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए ही काफी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को फायदा मिल सके, आप सभी के सभी सपनों को, आप सभी के सभी ड्रीम्स को, आप सभी के सभी ख्वाबों को पूरा किया जा सके। इन सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है, और अनुपूरक बजट में पेश किए जा चुके हैं, और जल्द ही सभी के जितने भी अनुपूरक बजट में जितने भी महत्वपूर्ण योजना है, उन सभी योजनाओं का पैसा, उन सभी योजनाओं की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो एक के बाद एक जो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी के गवर्नमेंट आप सभी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा के पूरे जो है फायदे मिल सके, आप सभी के सभी सपनों को, आप सभी के ड्रीम्स को पूरे किया जा सके। आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया हो, सभी जानकारी, सभी अपडेट आपको पसंद आया हो जी हाँ। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, जानकारी आपको पसंद आया हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियोस अच्छा लगता है शेयर जरूर करना, और लाइक करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।